हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सही तरीके से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। वीडियो अपलोड करना तो आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, एक अच्छी तरीके से कैसे वीडियो को अपलोड करें तो आपका जो वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होकर बहुत ज्यादा सर्च लिस्ट में आ जाए। यानी कि कहने का मतलब साफ ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसे कैसे करेंगे, यानी कि अपलोड करते वक्त जो भी हम टैग्स, हैशटैग्स या जो भी उसका टाइटल देते हैं, क्या देते हैं, क्यों हमारा वीडियो वायरल नहीं होता, उसके लिए क्या देना चाहिए, क्या सुटेबल होना चाहिए, ये सारी चीजों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। भाई दोस्तों, ले चलता हूँ आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और मोबाइल में ही बताता हूँ कैसे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, क्या क्या सारी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि YouTube पे वीडियो अपलोड करते वक्त कंटेंट जो होता है, हमारा YouTube का जो टाइटल होता है, हैशटैग होता है, टैग्स होता है, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए कि हमारे वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाए। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्लस वाले साइन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो, जैसे आपको जो भी अपलोड करना था, करके कुछ टाइटल्स लगा देते हैं या कुछ हैशटैग या कुछ टैग लगा के ऐसे वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर भी हमारा वीडियो अपलोड नहीं होता है, यानी कि वायरल नहीं होता है। आखिर कैसे हम हैशटैग लगाएं, कौन से टाइटल्स दें, कैसे टैग्स दें कि हमारा वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो के, इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी काम नहीं करना है, कहीं भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको अपने YT स्टूडियो को ओपन करके आपको बताना चाहता हूँ कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, कैसे क्या क्या टाइटल्स देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, हमारा खुद का पर्सनली हमारा YouTube स्टूडियो मैंने अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जिसपे हमारे कुछ व्यूज़ आ गए हैं। बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, हमारा जो टैग्स है, जो हैशटैग्स है, जो टाइटल है, काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही दिनों से आ रहा है जब से मैंने ये सारी प्रक्रिया कर ली है। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताऊं तो मेरे कुछ दिन पहले, यानी कि जब से मैंने ये सारी प्रक्रिया की, मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ नहीं आते थे, 2-4 व्यूज़ 5 व्यूज़ आते थे, लेकिन जब से मैंने ये सारा अपना चैनल पे अपनाया, जैसे टाइटल्स लगाना स्टार्ट किया, हैशटैग्स लगाना स्टार्ट किया, टैग्स कहाँ कहाँ से मैंने कैसे कैसे लगाया, कि मेरे चैनल पे बहुत ही आसानी से बहुत सारे, लगभग दोस्तों 50+ हमारे व्यूज़ आ जाते हैं 24 आवर के अंदर। तो यहाँ से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ कैसे मैंने क्या क्या टैग्स लगाते हैं, क्या क्या हैशटैग्स लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। अगर आपको अभी भी नहीं आता यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो जाके इस चैनल पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने यूट्यूब चैनल को प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है कि टाइटल कहाँ से लगाना चाहिए, हैशटैग्स क्या लगाना चाहिए, और टैग्स देख सकते हैं हम कितने ज़्यादा टैग्स लगाएं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लगाते हैं। अगर दोस्तों हम टाइटल की बात करें, तो हमारा टाइटल्स अपने वीडियो को इसी को लेके चलते हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे आपका भी कोई वीडियो ज़रूर होगा, तो उसका भी कुछ कंटेंट होगा, कुछ टाइटल होगा, तो मेरा चैनल का टाइटल है दोस्तों, यानी कि मेरे वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यानी कि चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस में आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि वीडियो के बारे में हमने क्या बताया, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए मैं बताया, तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में कैसे सवाल आते हैं कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल कैसा क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में कैसे क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल प्रोफेशनली कैसे क्रिएट करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस को मिला के हम अपना टाइटल बनाते हैं दोस्तों। यानी कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं उस वीडियो के रिलेटेड, वही हमारा टाइटल बनता है। ये एक चीज़ हो गया, पहला चीज़, जिससे हम आसानी से अपने टाइटल को एक प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में थिंकिंग होता है वो हमारा टाइटल बन जाता है। अगर आप दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में चल रहे हैं, तो हम कुछ अलग टाइटल क्यों ना ढूंढें, यानी कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो ये तो बस हमारे दिमाग में चला है, लेकिन और सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर उसको लेके दोस्तों अगर हम अपने टाइटल की तरफ से चलें, तो टाइटल को ढूंढने का सबसे बेस्ट उपाय है, कहीं भी आपको किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं जाना है, सिंपली क्या करना है दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आना, यानी कि यूट्यूब पर आना, और यहाँ पर जो भी आपका वीडियो है, यानी कि जो भी टाइटल है, उसको यहाँ से सर्च कर लेना है, यानी कि हमारे वीडियो क्या है, यूट्यूब कैसे क्रिएट करें, यानी कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। मैंने इसको जैसे ही लिखा, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आगे, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं 221, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं मोबाइल से, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, जिसमें से हम कोई भी एक टॉपिक अच्छा उठाएंगे नहीं दोस्तों,
इन सारे को मिला के हम एक अपना खुद का टॉपिक बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चन से मिले, हमारे कंटेंट से मिले। तो मैंने क्या किया, अपना चैनल का अपना अपने वीडियो का एक कंटेंट क्रिएट किया है और उस कंटेंट से दोस्तों मैंने एक टाइटल बनाया जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी बंदा दोस्तों अगर कोई भी बंदा YouTube चैनल के बारे में सर्च करता है कि क्रिएट कैसे करते हैं या YouTube चैनल कैसे बनाता है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों में से बंदा जरूर सर्च करेगा कि हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल या YouTube चैनल कैसे बनाएं। तो ये दोस्तों होता है दोस्तों हमारा टाइटल ढूंढने का तरीका, जो सबसे आसान है। एक तो अपने दिमाग से थिंकिंग कर सकते हैं या दूसरा अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों टाइटल तो समझ गए कैसे हम प्रोफेशनल टाइटल लगा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने यानी कि डिस्क्रिप्शन की तरफ। यानी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं दोस्तों ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिंपली क्या क्या है कुछ अपने वीडियो का लिंक नीचे दे दिया है और साथ ही इसमें अपने कॉपीराइट क्लेम के बारे में और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख दी है। लेकिन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में काफ़ी खूबसूरत से लिखना चाहिए हर एक चीज़ों को जोड़ के, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन एक अलग लुक बनाता है। अगर कोई बंदा आपके वीडियो को देख भी लेता है, अगर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता है तो उसे कुछ अच्छा लगे कि हाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ ना भाई कुछ लिखा तो है मेरे बारे में, यानी कि वीडियो के बारे में। जैसे अगर वीडियो देखने से कुछ डिफिकल्टीज होती है तो आपके जो नोट्स दिए यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिखे हैं उसे वो तो समझ जा रहा है, इसीलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपने हैशटैग के बारे में। अगर दोस्तों अपने हैशटैग के बारे में बात करें तो हैशटैग का मतलब होता है क्यों हैशटैग लगाया, तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि हैशटैग क्यों लगाया जाता है। दोस्तों हैशटैग लगाने के लिए मैं पहले डायरेक्टली आपको लाइव दिखा देता हूं कि हैशटैग का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया, यहां पे मैं दोस्तों अपने क्या करता हूं, अपने ही वीडियो का जो हमारा वीडियो है यूट्यूब चैनल पे मैं जाता हूं और अपना ही वीडियो एक ओपन कर लेता हूं जहां पे मैंने हैशटैग लगाया। अब हमारा वीडियो ओपन हो गया दोस्तों, अब इसको मैं क्या करता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, फिर भी मैं अपना कुछ सेकंड्स लगता है ओपन करने में, इसे ओपन कर क्लोज करके मैं अपना डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, जीमेल अकाउंट, ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, व्हाट इज जीमेल, जीमेल टिप्स एंड ट्रिक, बहुत सारा ऐसा लिख दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका साफ मतलब यही होता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इसका व्यूज आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, जैसे मैंने जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया इस पर क्लिक कर दिया, जैसे इस पर क्लिक किए तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएगा। अगर दूसरा मैं दोस्तों ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। देख सकते हैं टोटल 152 वीडियोस है, 44 के चैनल है इस टॉपिक से यानी कि इस नेम से। अगर कोई बंदा अगर किसी का हैशटैग यानी कि जो जिसका देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं 624 के हैं, अगर इस बंदे का कोई चैनल ओपन करता है और हैशटैग पे क्लिक करता है नीचे जाके ब्लॉग पे, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं ऐसा नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो आ जाएगा, जिससे वो बंदा अगर आपका जो ऊपर का स्क्रीन है जो थंबनेल अगर उसे देखकर उसे अच्छा लगता है, उसके बारे में समझता है, तो उसे वो भी क्लिक करके आसानी से आपके वीडियो को देख सकता है, जिसके आपके वीडियो पे व्यूज़ आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमको हैशटैग लगाते हैं, जिससे हमारे वीडियोस जो आसानी से किसी दूसरे के चैनल के नीचे भी आ सकता है, जहाँ से आपका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो सकता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा हैशटैग का मतलब, क्यों हैशटैग क्यों लगाया जाता है और कैसे हैशटैग वर्क करता है। तो इससे दोस्तों ज़्यादा हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं हैशटैग को लगाएं जो आपके वीडियो को कंटेंट को लेकर घूमता है। यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट के बारे में लगाएं, कुछ उससे अलग टिप्स एंड ट्रिक दे दें, कुछ अपने चैनल का नाम दे दें और भी काफ़ी चीज़ें आपको जो थिंकिंग लगती है उसे जोड़ दें। इससे ज़्यादा आपको बहुत ही सारा तमाम हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 100-200 हैशटैग लगा दें जिससे हमारे वीडियो रैंकिंग में चला जाए, व्यू, ऐसे कोई मतलब नहीं दोस्तों। टॉपिक्स आपका डिपेंड करता है, कंटेंट आपका डिपेंड करता है दोस्तों, टाइटल डिपेंड करता है वीडियो वायरल होने का। बे दोस्तों देखिए आप व्यूज़ के पीछे मत भागिए, कभी भी ये मत सोचिए कि हमको 10 व्यूज़ मिले 25 व्यूज़ मिले, इससे कोई डिपेंड नहीं दोस्तों। आपका कंटेंट क्या है तो क्या था दोस्तों, अगर आपका 10 ही व्यूज आ रहा है डेली एक वीडियो अपलोड करने पर 10 व्यूज आ रहे हो, 10 बंदे आपके बारे में जानते हैं कि आप वीडियो कैसे अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये 10 बंदे जब वीडियो आपके देखेंगे तो किसी 11वें को जरूर बताएंगे कि यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिलती है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंटेंट बनाता है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाता है, तो जरूर वो बंदा आपके पास आएगा और आपके चैनल पर जरूर देखेगा वीडियो। तो दोस्तों हमें व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, किसी भी एक व्यू जा रहा है, दो व्यू जा रहा है, 10 व्यूज, 15 व्यूज, हमें व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, अपने दोस्तों लक्ष्य के पीछे भागना है कि हमें क्या करना है, हमें पर डे वीडियो डालना है, हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा एडिटिंग कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों हमने टाइटल बता दिया कैसे टाइटल लगाते हैं, एडिटिंग यानी कि दोस्तों नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में कैसे एडिट्स करते हैं, कैसे इसमें सारी चीज़ें बता दें क्या क्या लगाना चाहिए, कैसे हैशटैग का मतलब क्या होता है, कितने हैशटैग लगाना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सबसे मेन टॉपिक अपने टैग्स के बारे में।
टैग्स कौन कौन से लगाना चाहिए, कैसे टैग्स कहाँ से उठाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग डायरेक्टली, मैं आता हूँ पॉइंट पे, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया वहाँ पे आता हूँ डायरेक्टली इसको हटा के। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो, जैसे अब मान लीजिए दोस्तों इनका DCA कोर्स कम्प्लीट कोर्स बता रहे हैं ये, क्या नाम माई बिग गाइड, अगर इनका वीडियो का हम टैग्स चोरी करना चाहते हैं तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके शेयर पर जाते हैं। शेयर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैग्स फॉर वीडियो ऑप्शन दिया, यहाँ से उनके सारे वीडियोस का जो वीडियो है उसका सारा टैग यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसे क्या मतलब हुआ, इससे क्या हुआ कि अगर इसको हम अपने टैग्स में लगाते हैं, कोई बंदा इसे सर्च करता है तो इन्हीं का सबसे पहले वीडियो आएगा। तो कौन देखेगा आपका वीडियो, कोई नहीं देखा, वीडियो जो देखेगा इन्हीं का देखेगा। इससे दोस्तों आप किसी के वीडियो को टैग्स को चोरी ना करें, अपने हिसाब से दोस्तों टैग्स लगाएं। टैग्स लगाने का क्या प्रक्रिया होती, कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों टैग्स जो होता है क्या होता है, पहले ये बता देना चाहता हूँ। टैग्स जो होता है, जो दोस्तों कोई भी बंदा सर्च करता है यूट्यूब चैनल पे, यानी कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ये सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने इसको लगाया तो इससे रिलेटेड जो भी टॉप वर्ड आ रहे हैं, जैसे YouTube चैनल कैसे बनाएं, YouTube चैनल कैसे बनाएं 221, YouTube चैनल कैसे बनाएं मोबाइल से, YouTube चैनल कैसे बनाएं, पैसे कैसे कमाएं, ये सारी चीज़ें दोस्तों होती है ना, ये टैग होती है। अगर इसे अपने हम अपने टैग्स में डालते हैं तो हमारे वीडियो अगर कोई भी ऐसे YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर, अगर हम अपने टैग में डाले हैं, इसे जब कोई बंदा टच करता है तो आपका वीडियो कहीं ना कहीं वहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे या 1, 3, 4 नंबर पर आपका वीडियो आ जाएगा 100%। दोस्तों 100% गारंटी है आपका वीडियो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ये दोस्तों हो गया टैग, जो टैग जो होता है आपके वीडियो के रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें और भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक जैसे जोड़ सकते हैं कुछ टैग जो काफ़ी पॉपुलर टैग्स हो, जैसे मैंने कुछ यूट्यूब चैनल इंडिया नेपाल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपका वीडियो रैंकिंग में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों ऐसे हम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स यूज करते हैं, और किसी भी ऐप की किसी भी किसी का चोरी नहीं करना दोस्तों, किसी का भी टैग। दोस्तों टैग्स जो हो गया, और व्यूज़ के पीछे तो भागना ही दोस्तों, व्यूज़ आपके पास खुद चल के आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। दोस्तों आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस नाम का चीज़ होना चाहिए जो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आप व्यूज़ के पीछे जाते हैं तो दोस्तों आप 100% यूट्यूब चैनल पे अपना एक नया कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल यूजर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों हमें क्या करना, अपने लक्ष्य के पीछे भागना, हमें डेली क्या करना, एक वीडियो, दो वीडियो, जितना अपलोड करते हैं उतना वीडियो ही अपलोड करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे वीडियोज़ के पीछे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, हमें टाइटल अच्छे देने हैं, हमें कंटेंट अच्छे बनाना है, एडिटिंग अच्छा करना है। सबसे मेन बात दोस्तों हमको थंबनेल सबसे अच्छा क्रिएटिव बनाना है। अगर आपका थंबनेल क्रिएटिव नहीं बन रहा तो कोई भी बंदा उसे टच नहीं करेगा। तो दोस्तों हमें थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स, हैशटैग, ये सारा चीज़ थिंकिंग करके बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना है। तो दोस्तों आप समझ गए कैसे हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त क्या क्या कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझ लिया कि वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, साथ ही क्या टैग्स लगाते हैं, क्या हैशटैग लगाते हैं, क्या इसका टाइटल देना चाहिए, सारी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए YouTube कंप्यूटर हर एक चीज से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको डेली न्यू अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।